जो रशिया के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में एक बड़ा विमान हादसा हो गया और बताया जा रहा है कि हादसे में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत हो गई है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रिगोजिन वही आर्मी लीडर हैं जो कि वैगनर को संभालते हैं और रशिया में पुतिन की नाक में दम कर दिया था इन्होंने। रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, हालांकि ये रशियन आर्मी के साथ थे लेकिन एक टाइम आया कि ये उनके अगेंस्ट हो गए क्योंकि रशियन आर्मी से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ऐसा उनका कहना था। लोगों का कहना है कि प्रिगोजिन की मौत का कारण उनका रशियन आर्मी और पुतिन के खिलाफ जाना है। चलिए ब्रीफली जानते हैं कि कुछ महीनों पहले ऐसा क्या हुआ कि प्रिगोजिन को रशियन प्रेसिडेंट ने समाप्ति कर दिया। तो अभी जो नजारा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये रशिया के साउथ वेस्ट का एक शहर है जो कि है रोस्तोव, और इस शहर के मिलिट्री लॉजिस्टिक सेंटर्स को घेर लिया गया है, साथ साथ इस शहर में ब्लॉकेड भी था। तो ये फुटेज साफ करती है कि रशिया की वैगनर ग्रुप ने रशिया के मिलिट्री के लॉजिस्टिक सेंटर को साथ साथ एक शहर को अपने कब्जे में ले लिया था और उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि वो मॉस्को तक की मार्च करने वाले हैं। तो आखिर ये क्या चल रहा था रशिया में और ये वैगनर ग्रुप है क्या? दोस्तों वैगनर ग्रुप रशिया की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जिसके मालिक रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एक सपोर्टर है जिनका नाम है प्रिगोजिन। ये मिलिट्री अभी तक की रशिया के साथ यूक्रेन युद्ध में लड़ रही थी। को एक वीडियो आती है जिसमें प्रिगोजिन रशिया की आर्मी के खिलाफ बोल रहे होते हैं। У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? जिसको लेकर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को भी एक अग्रेसिव मैसेज रिलीज करना पड़ता है। All those who deliberately chose the path of treachery, who prepared an armed mutiny, who chose the path of blackmail and terrorist methods will face inevitable punishment. कौन है ये प्रिगोजिन साथ-साथ ये वैगनर ग्रुप? तो ये प्रिगोजिन पहले रोड साइड पर बर्गर बेचते थे और उसके बाद इन्होंने होटल भी चलाए और उसके बाद वो गवर्नमेंट के शेफ बन गए और पुतिन के लिए वो शेफ का काम करते थे और उनकी एक इमेज भी आप लोग देख सकते हैं जो कि पुतिन के साथ है। तो आखिरकार ये शेफ प्रिगोजिन एक आर्मी का लीडर कैसे बन गया, साथ ही साथ ये पुतिन और रशियन मिलिट्री के खिलाफ क्यों इतना बोल रहा है? दोस्तों प्रिगोजिन का नाम इससे पहले 2014 में निकल के आने लगा जब रशिया के कुछ सेपरेटिस्ट यूक्रेन के रीजन में घुस जाते हैं और वहां पर मिलिट्री में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं प्रिगोजिन, और पता चलने लगा वैगनर ग्रुप साथ साथ प्रिगोजिन के लिंक के बारे में और ये पुतिन के शेफ से धीरे धीरे आर्मी में इन्वॉल्व होने लगे। दोस्तों फरवरी में रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही थी, रशिया को कुछ रिजल्ट भी नहीं मिल रहे थे, साथ ही साथ आदमी भी कम पड़ रहे थे, तो रशिया ने इन वैगनर ग्रुप्स को लड़ाई लड़ने के लिए बुलाया। और अभी से कुछ महीनों पहले हमने देखा कि प्रिगोजिन जाते हैं रशिया की जेल्स में और वहां पर क्रिमिनल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि अगर वो लोग रशिया के साथ लड़ेंगे तो उनकी सारी सजा माफ कर दी जाएगी, और उन्होंने करीबन हजारों की तादाद में उन क्रिमिनल्स को छुड़ाया और उनको युद्ध में लेके आए। He said to have toured 17 prisons and is recruiting 1000 criminals. और ये हजारों की तादाद में क्रिमिनल्स भी लड़ रहे थे वैगनर ग्रुप्स के साथ, और देखा जाए तो कई सारे विदेशी साथ साथ नेपाली इसी वैगनर ग्रुप में ही थे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये वैगनर ग्रुप्स। दोस्तों जब ये वैगनर ग्रुप बना था तब इसको काफी सीक्रेट रखा जाता था और इसको रशिया की एक इंटेलिजेंस सर्विस की तरह देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इनमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले और 2022 में एक बड़ा चेंज देखने को मिला जिसमें इन वैगनर ग्रुप्स को एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के नाम पर रजिस्टर कराया गया और इसका काम था रशियन आर्मी से पैसे लेना और उनके लिए कुछ काम करके देना जो कि रशियन हितों को जोड़ेगा। साथ ही इन वैगनर ग्रुप्स को रशियन डिफेंस की तरफ से ही ट्रेनिंग दी जाती थी और सारे ही इक्विपमेंट भी रशियन डिफेंस ही देती थी, और इनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं था, 2018 में सीरिया में भी अमेरिका के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और कई और देश में इनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया जैसे कि माली, लीबिया और बहुत सारे देश में, क्योंकि रशिया के हितों के लिए दूसरे देश भी जाते थे। कई देश रशिया की परमिशन के साथ इन वैगनर ग्रुप को एज अ सिक्योरिटी भी लेती थी और कई और कामों के लिए भी, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के लिए यहाँ पर ये लॉगिंग का काम करते थे कुछ हेक्टेयर ऑफ लैंड पर भी, जिससे ये वैगनर ग्रुप फायदा कमाता था और उनके लिए काम करता था, उनको भी कमीशन मिलता था। 2022 में वैगनर ग्रुप्स के प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर होने के बाद इन्होंने काफी सारे एडवर्टीजमेंट शुरू किए, कई सारे वीडियो पोस्ट और पोस्टर निकाले गए जिससे लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए वैगनर ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए। पोस्टर नाउ इट वाज स्पॉटेड इन द रशियन सिटी ऑफ येकाटेरिनबर्ग, और ऐसा देखने को भी मिला कई विदेशी लोगों ने भी वैगनर ग्रुप्स को ज्वाइन किया और वर्किंग वीजा पर भी आए हुए लोगों ने वैगनर ग्रुप्स को ज्वाइन किया क्योंकि लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे इनके एडवर्टीजमेंट से, साथ ही साथ इनके पर्क्स से, यानी कि इनमें जो सुविधाएं दी जा रही थी पर्क्स था कि जो भी विदेशी है वो अगर ज्वाइन करते हैं
तो उनकी एक साल की सर्विस के बाद उनको रशिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरा पर्क ये भी था कि उनको फैमिली के साथ रशिया में सेटल होने के लिए भी आराम होगी। तो आखिर ये सब मामला था क्या? दोस्तों ये सब स्टार्ट हुआ 23 जून को, जब वैगनर ग्रुप्स के लीडर प्रिगोजिन सामने आए और उन्होंने बताया कि रशियन मिलिट्री हमारे ही सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है, हमारे सैनिकों को मार रही है, साथ साथ रशियन आर्मी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दे रही है, हथियार नहीं दे रही है, बुलेट्स नहीं दे रही है। और इन सब चीजों को लेकर प्रिगोजिन का एक वीडियो जारी होता है जो कि वैगनर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर रिलीज होता है, जिसमें वो इन सब चीजों के लिए रशियन आर्मी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। Prigozhin posted another message blaming the Russian military for carrying out an alleged attack against his troops, killing, quote, a huge amount of his own forces in Ukraine. और ये सब यहीं पर नहीं रुका। रशिया की इन वैगनर ग्रुप्स ने रशिया के इस शहर रोस्तोव को अपने कब्जे में ले लिया, ब्लॉकेड कर दिया और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री साथ ही साथ टॉप जनरल्स को बुलाने की बात की, उनसे बात करने की बात की। और साथ साथ अगर ये टॉप जनरल नहीं मिलते तो ये मार जाने वाली थी रशिया की कैपिटल मॉस्को तक। That his forces were going to cross into Russia, calling it the March of Justice. Под контролем военные объекты Ростова в том числе. और ये मार्च शुरू भी हो गई थी, जिसमें वैगनर ग्रुप से कई सारे सोल्जर्स मार्च कर रहे थे रशिया के शहर मॉस्को तक। तो ये काफी बड़ा मैटर बन गया था और इससे पूरी रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री हिल गई थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे थे और प्रिगोजिन अपने सैनिकों के साथ रशिया के कैपिटल मॉस्को से मात्र 200 किलोमीटर दूर थे। ये मैटर तो सॉल्व हो गया था, पर क्या सच में रशिया की आर्मी इन वैगनर ग्रुप्स के सैनिकों को मार रही थी? क्योंकि इसमें नेपाली भी शामिल है और विदेशी लोग भी शामिल थे। तो इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों जून 2022 तक रशिया की यूक्रेन में घुसपैठ मानो थम सी गई थी, क्योंकि रशिया के पास यहाँ पर फाइटर्स कम पड़ रहे थे, आर्मी मैन कम पड़ रहे थे और तभी इन वैगनर ग्रुप्स को इस लड़ाई में इन्वॉल्व किया गया, लाया गया। लेकिन उसके बाद सितंबर तक की रशिया की हालत और ज्यादा खराब हो गई इस युद्ध में। तो अब सवाल उठने लगा वैगनर ग्रुप्स के ऊपर कि क्या इन वैगनर ग्रुप्स की वजह से ये हालात खराब हुए, क्योंकि खार्किव में यूक्रेन स्ट्रांग हो गया था। तो कहीं ना कहीं तब रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री दो भागों में बट गई थी, एक लोग जो वैगनर ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे और दूसरे टाइप के लोग जो कि वैगनर ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करते थे। इसमें से सॉर्वकिन वो लीडर थे जो कि वैगनर ग्रुप्स का काफी सपोर्ट करते थे और गेरासिमोव वो लीडर थे जो कि वैगनर ग्रुप्स का अपोज करते थे। अक्टूबर 2022 में रशिया की मिलिट्री की लीडरशिप में चेंजेस हुए और सॉर्वकिन को रशिया के मिलिट्री चीफ के तौर पर चुन लिया गया, उनको बना दिया गया। और इस पर वैगनर ग्रुप के लीडर प्रिगोजिन काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि सॉर्वकिन कहीं ना कहीं वैगनर ग्रुप्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। और उसके बाद वैगनर ग्रुप्स ने कई अचीवमेंट भी की यूक्रेन वॉर में। यहाँ पर इसके बाद रशियन मिलिट्री ग्रुप्स में और वैगनर ग्रुप्स में काफी अच्छा कोलैबोरेशन देखने को मिला और अनुमान लगाया जाने लगा कि इन वैगनर ग्रुप्स के साथ अब रशिया बहुत जल्द कुछ दिनों में इस वॉर को जीत जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रशियन सरकार में इन वैगनर ग्रुप्स को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे और इनकी पॉपुलैरिटी सरकार में कम होने लगी और रशियन मिलिट्री में एक बार फिर से बदलाव हुए, जहां पर सॉर्विकिन को हटा दिया गया और गेरासिमोव को बनाया गया नया जनरल, जिसके बाद वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि गेरासिमोव वैगनर ग्रुप्स के अगेंस्ट थे। और धीरे धीरे रशियन मिलिट्री और इन वैगनर ग्रुप्स के बीच में खटास देखने को मिलने लगी और जिसके बाद प्रिगोजिन रशियन मिलिट्री को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी करने लगे कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। और बीच में यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट से एक खबर भी निकल के आती है कि वैगनर ग्रुप्स ने रशियन मिलिट्री के कई पोस्ट की पोजिशंस को लीक कर दिया है। और ऐसा हो भी सकता था, नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर वैगनर ग्रुप्स में बहुत सारे क्रिमिनल्स भी इन्वॉल्व थे, तो वो ऐसा कर भी सकते थे। वहीं ये यूक्रेन की एक चाल भी हो सकती थी इन वैगनर ग्रुप्स को रशिया के साथ अलग करने की, पर इस पर कोई भी क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि प्रिगोजिन ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा टेंस हो गई थी और कहीं यही कारण तो नहीं बना कि यहाँ पर रशियन मिलिट्री ने वैगनर ग्रुप्स को मारा भी। मई 2023 में प्रिगोजिन ने काफी और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए रशियन आर्मी के खिलाफ और यहाँ पर रशियन मिलिट्री को धमकी भी दी कि अपना बिहेवियर चेंज करो, नहीं तो हमने यूक्रेन में जो पोजीशंस लिए उनसे हम वापस हट जाएंगे। टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वैगनर ग्रुप से ये भी कह दिया था कि हम रशियन मिलिट्री से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अभी आगे साइन नहीं करेंगे और साथ ही उन्होंने रशियन शहर रोस्तोव में ब्लॉकेट तो कर ही दिया था और मार्च निकालने की धमकी दी थी मॉस्को तक, जो कि उन्होंने शुरू भी कर दी थी। और उसके बाद मॉस्को से 200 किलोमीटर पहले ही उन मार्च को खत्म किया गया उनसे बात करके।
और इस बात में बेलारूस के डिक्टेटर अलेक्जेंडर को भी शामिल होना पड़ा, जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में मदद की, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी बेलारूस के डिक्टेटर अलेक्जेंडर की हेल्प कर चुके हैं कई बार सत्ता में बना रहने के लिए। और यहाँ पर अलेक्जेंडर ने मदद की यहाँ पर वैगनर ग्रुप्स को रोकने में, और उसके बाद प्रिगोजिन वहां से बेलारूस चले गए और सारे ही वैगनर ग्रुप्स को अपनी पोस्ट पर वापस जाना पड़ा। हालांकि इस मैटर को शांत तो कर दिया गया था, लेकिन आगे क्या होगा ये भी नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी थी। तो ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट थी जो कि यहाँ पर देखने को मिली वैगनर ग्रुप्स में और रशियन आर्मी में, जो अपने आप में आमने सामने आ चुके थे। क्योंकि यहाँ से पहले जब भी पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए रशिया में, तो पुतिन हमेशा से उसको कहते हैं कि वेस्टर्न का प्लांट प्रोटेस्ट है, लेकिन यहाँ पर पुतिन इस चीज़ पर कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये उनकी ही कंट्रोल में आर्मी के साथ किया गया। तो ये था रशिया के वैगनर ग्रुप्स का पूरा मैटर। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत हो गई है। लोगों का कहना है कि प्रिगोजिन की मौत का कारण उनका रशियन आर्मी और पुतिन के खिलाफ जाना है।